आज की क्लास में जो हम देखने वाले हैं वो है लीनियर इक्वेशन के कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन। जैसे कि आपने हमारे पार्ट वन पार्ट टू में देखा होगा, हमने चार मेथड्स डिस्कस किए, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ग्राफिकल मेथड। अब जो है हमको आज जो देखना है, उसके बाद हमने एक और देखा था पार्ट टू में अपने कि कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, मतलब जो दो पैरेलल लाइंस, फिर उसके बाद कोइंसिडेंट लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इससे हमने समझा था यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइंस से हमारा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन क्या रहता है और पैरेलल लाइंस से नो सॉल्यूशन क्या रहता है। आज हमको ये क्वेश्चंस देखने हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आपको देख के समझ नहीं आएगा कि ये लीनियर इक्वेशन है कि कैसे सॉल्व करना है, उन क्वेश्चंस को डील करना है। क्वेश्चंस के थ्रू स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 1/2x + 1/3y = 2 और 1/3x + 1/2y = 13/6। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। इस टाइप के क्वेश्चन को, चूंकि यहाँ पर x और y हमारे अपॉन में है तो ये लीनियर इक्वेशन तो हुआ नहीं, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोगों को कुछ अजम्पशन करके करना है। कैसे अजम्पशन करेंगे, यहाँ पर हम लोग सपोज कर लेंगे लेट 1/x = u एंड 1/y = v। मैंने u और v लिया है, आप चाहो तो कोई दूसरा भी ले सकते हो। ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा इस पैटर्न से करना है। तो अब क्या हो जाएगा, जो इक्वेशन नंबर वन है इसको दे रहा हूं इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर वन क्या बन जाएगा बेटा आपका, u अपॉन 2 प्लस v अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। एलसीएम ले लेता हूं इसको, तो 2 और 3 का एलसीएम आपको कितना आ जाएगा 6, तो ये बन जाएगा आपका 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 2। 2 को उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 6, 2 = 12। ये मिल गया आपको इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है बेटा। अब जरा इस इक्वेशन को देखो, ये आपका लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर है, 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। सेम अब मैं जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको भी चेंज करता हूँ u और v से, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, u अपॉन 3 प्लस v अपॉन 2 इज इक्वल टू 13/6। क्लियर है। अब इसका अगेन मैं एलसीएम ले लूंगा, तो जब एलसीएम लेंगे इसका तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 2u plus 3v upon 6 will be equals to 13/6, 6 और 6 cancel, तो ये आपको क्या मिल जा रहा है, 2u plus 3v is equals to 13, equation number 4। अब ये जो दो equations मेरे को मिले हैं, ये आपके दोनों linear equation हैं, two variables हैं। आपको चार मेथड्स मालूम है, चारों में से कोई भी एक मेथड यूज करो जो आपको कन्वीनियंट लगे, उसके थ्रू सॉल्व करते हैं। देखते हैं यहाँ पे मेरा इक्वेशन क्या है, 3u plus 2v is equals to 12 और 2u plus 3v is equals to 13। तो इसको कैसे करेंगे बेटा, मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं, तो एलिमिनेशन के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या बन जाएगा ये इक्वेशन, 9u plus 6v is equals to 36 और 4u plus 6v is equals to 26। इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 4 आपका बन जा रहा है 5u is equals to, ये बन रहा है आपका 10, तो u की वैल्यू आ रही है आपका 10 upon 5 which is equals to 2। क्लियर है, u की वैल्यू आपको 2 मिल गई। अब u की वैल्यू जब मिल गई तो आप आइदर दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन में पुट कर दो। मैं जैसे फर्स्ट वाले में पुट कर रहा हूं इसमें, तो 3 into 2 plus 2 into v is equals to 12, या फिर 2v is equals to 12 minus 6, या फिर 2v is equals to 6 और v is equals to 3। अब आपको u और v की जैसे ही वैल्यू आ गई, हमको x और y निकालना था, u और v की वैल्यू आ गई, हम लोग u और v को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा बेटा आपका, जब u को यहाँ पर पुट कर रहे हो, u की जगह 2 पुट करोगे तो 1/x is equals to 2, therefore x is equals to 1/2। क्लियर है, मैं क्वेश्चन वाले पार्ट को रब करता हूं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे हमारा ये होगा। मैं इसको यहां पे पुट किया, 1/x इज इक्वल्स टू 2 u की जगह, तो x विल बी इक्वल्स टू 1/2। सिमिलरली 1/y विल बी इक्वल्स टू 3, देयरफॉर y विल बी इक्वल्स टू 1/3। क्लियर है बेटा, ये हम लोग को x और y की वैल्यूज आ गई। अब इसके बाद इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं आपको उसमें ये अजम्पशन लेके ही करना है और इस वे में प्रोसीड करना है। मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन से किया, आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं। दूसरा, अगर इस टाइप का कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, जरा चेक कीजिएगा, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा क्योंकि पैटर्न बहुत सारे हैं, टाइम हमारे पास कम है, तो उस बेसिस पे मैं आपको पैटर्न्स बताते जाऊंगा किस तरीके के रहेंगे।
एक ये क्वेश्चन देखिएगा, 2 upon root x plus 3 upon root y is equals to 2 और 4 upon root x minus 9 upon root y is equals to -1। ये दो इक्वेशंस गिवन है, इन दो को कैसे सॉल्व करोगे बेटा? लेट 1 upon root x is equals to u एंड 1 upon root y is equals to v, क्योंकि ये हमारा लीनियर नहीं था, लेकिन जैसे हम लोग ये अजम्पशन को इसमें पुट अप करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 2u plus 3v is equals to 2 एंड 4u minus 9v is equals to -1। अब एलिमिनेशन ही अगर लगा रहा हूँ, एलिमिनेशन सबसे इजी पड़ता है इसलिए जल्दी सॉल्व होता है इसलिए कर रहा हूँ, और एलिमिनेशन में एक बार जरा देखो, ये इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों मेरे सेम हो जाएंगे, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको 1 से कर रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 6u plus 9v is equals to 6 और 4u minus 9v is equals to -1। जब इसको सॉल्व करोगे ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये आपका कितना बन जा रहा है बेटा, 6 plus 4 10u और ये कितना बन जाएगा 5, तो u की वैल्यू आपको कितनी आ रही है 5/10 which is equals to 1/2। u की वैल्यू को आप कोई भी एक इक्वेशन में पुट करोगे आपको v आ जाएगा, देन बस u को यहां पर पुट करना है, तो 1 upon root x is equals to 1 upon 2 आ रहा है, या फिर root x is equals to 2 आया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दोगे x will be equals to 4। समझ में आया किस वे में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे? ये फर्स्ट पैटर्न है जिसमें तुमको अपॉन में दिया रहेगा, तब उसको कैसे सॉल्व करना है ये देखा हमने। सेकंड पैटर्न जो रहेगा उसको देखते हैं अब जरा, हम लोग कैसे रहेंगे उसके क्वेश्चंस और कैसे उसको सॉल्व करना है। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे रहे हैं, 1 upon 3x plus y plus 1 upon 3x minus y is equals to 3/4। दूसरा इक्वेशन गिवन है 1 upon 2 into 3x plus y minus 1 upon 2 into 3x minus y is equals to -1/8। जरा ध्यान से देखना बेटा इसको, और ये थोड़ा सा लॉन्ग आंसर्स नहीं आता है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बड़ा बनेगा और बोर्ड हमको रब करना पड़ेगा, साथ साथ में आप लिखते चलना। तो सबसे पहला क्या रहता है देखो, ये चीज सब में कॉमन है, 1 upon 3x plus y, 1 upon 3x minus y, 1 upon 3x minus y, 1 upon 3x minus y। तो लेकिन ये लीनियर इक्वेशन तो है नहीं, तो सबसे पहले इसको लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए फिर से मैं क्या सपोज करूंगा, लेट 1 upon 3x plus y is equals to u और 1 upon 3x minus y is equals to v। मैंने पूरे ही इस पार्ट को u और v में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या हो जाएगा बेटा, ये जो आपको इक्वेशन है u plus v is equals to 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4u plus 4v is equals to 3, एक इक्वेशन मिल गया आपको, भले इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, क्लियर है? देन नीचे वाले में भी पुट करते हैं बेटा, u और v से रिप्लेस करते हैं, तो क्या बन जाएगा बेटा, u/2 minus v/2 is equals to -1/8, क्लियर है? अब इसके बाद क्या कर सकते हो बेटा, एलसीएम ले लो, तो u minus v/2 is equals to -1/8, इसको कैंसिल कर लिए, 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, 4u minus 4v is equals to -1, क्लियर है बेटा? ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशंस मिल गए, दोनों को सॉल्व करते हैं जरा, इस बार कुछ हमको ज्यादा करना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली वो एलिमिनेट हो रहा है क्योंकि सारे टर्म्स सेम है हमारे पास, इज इक्वल्स टू 3 और 4u minus 4v is equals to -1, डायरेक्टली ऐड करते हैं, कट गया, 4 plus 4 क्या बन जा रहा है बेटा, 8u is equals to 2, या फिर u is equals to 2/8 और 1/4, क्लियर है? u की वैल्यू आ गई आपको, कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, 4 into 1/4 plus 4v is equals to 3, 4 कैंसिल, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4v is equals to 2, v is equals to 1/2/4 which is equals to 1/2, u मिल गया, v मिल गया आपको। अब क्या करना है, जब u और v को यहां पर पुट करता हूं, जब मैं u की वैल्यू पुट करूंगा तो 1 upon 3x plus y is equals to 1 by 4 और 1 upon 3x minus y is equals to 1 by 2। जब सॉल्व करता हूं तो ये दो नए इक्वेशन बन रहे हैं, 3x plus y is equals to 4 और 3x minus y is equals to 2। अगेन ये जो दो इक्वेशंस हैं ये आपके दो लीनियर इक्वेशंस हैं, अभी तक आपको x और y की वैल्यू मिली नहीं है, आपको क्वेश्चन में बोला क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो अगेन मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा जिस भी मेथड से आप चाहो, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब तक आपको कोई स्पेसिफाई नहीं करता है।
तो ये जो दो इक्वेशन है इनको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा हम लोग, बस अब इसको क्या करना है, एलिमिनेशन ही सबसे इजी है क्योंकि डायरेक्ट हम लोग का प्लस माइनस वाई वाला है, तो इसमें कुछ मेरे को मल्टीप्लिकेशन करना नहीं है। 3x plus y is equals to 4, और दूसरा क्या है बेटा 3x minus y is equals to 2, तो ये दोनों कैंसल आउट हो गया, कितना बन गया 6x is equals to 6, x की वैल्यू आपको कितनी आ गई 1, x की वैल्यू एक इक्वेशन में पुट कर लो 3 into 1 plus y is equals to 4, y is equals to 4 minus 3 और y is equals to 1, क्लियर है आपको x और y की वैल्यू मिल गई। क्लियर है किस तरीके से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे, हम लोग को अपॉन वाला जो टर्म है जिसके कारण हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं बन रहा है उसको कुछ ऐसा सपोज करना पड़ेगा जिससे वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है, थोड़ा सा जल्दी ले रहा हूँ, पैटर्न बहुत है, वर्ड प्रॉब्लम्स भी है, वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एक दूसरा पैटर्न देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस का, फोर्थ पैटर्न जो रहेगा हमारा। अभी तक आपने तीन पैटर्न्स देखे, रूट वाले क्वेश्चंस कैसे करेंगे, अपॉन वाले कैसे करेंगे, और ऐसा जब दो लीनियर इक्वेशन बनेंगे तब कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन ये है आपका एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1/9, दूसरा इक्वेशन है एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1/4, ये दो इक्वेशन दे रहा है, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, कैसे करोगे समझना जरा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अभी अपॉन में कुछ कर नहीं सकते तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, क्या बन जाएगा बेटा 9xy is equals to x plus y, क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना बेटा, डिवाइडिंग LHS एंड RHS by xy, ये ऐसा लिख सकता हूं मैं बेटा, मैंने LHS RHS को क्या कर दिया xy से डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हुआ, यहां से x x कैंसिल हुआ, यहां से y y कैंसिल हुआ, तो ये आपका क्या बन गया 9 is equals to 1/y plus 1/x, आपका एक इक्वेशन का। सिमिलर वे में जब इसको करोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा आपका 4xy is equals to x minus y, dividing LHS and RHS by xy करते हैं अपन, तो ये क्या बन जाएगा x upon xy minus y upon xy, y y cancel, x x cancel, x y cancel, तो 4 is equals to 1 upon y minus 1 upon x, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। अब आ गया ये फर्स्ट पैटर्न जैसा, इसमें हमने अगेन क्या करना है बेटा, लेट जैसे वहां पे करते थे 1 upon x is equals to u and 1 upon y is equals to v, तो ये इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा बेटा 9 is equals to v plus u, एक इक्वेशन आपका ये बन गया, दूसरा यहां से बन जाएगा 4 is equals to v minus u, क्लियर है, दोनों सिंपल से इक्वेशन है, दोनों को क्या कर लेते हैं बेटा सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व होगा जरा देखते हैं, एक इक्वेशन आपका ये है 9 is equals to v plus u और दूसरा है आपका 4 is equals to v minus u, दोनों को ऐड करते हैं plus u minus u कट गया, 9 plus 4 13 is equals to 2v, या फिर v is equals to 13 by 2, v की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू को कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं 9 is equals to 13 by 2 plus u, क्लियर है बेटा, फिर उसके बाद u की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 minus 13 by 2 या फिर 18 minus 13, 5 by 2 is equals to u, क्लियर है बेटा। अब जब u और v आ गया तो इसको हम पुट कर लेते हैं 1 upon x is equals to u की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5 by 2 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 by 5, सिमिलरली v की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा बेटा 1 upon y is equals to 13 by 2 या फिर y is equals to 2 by 13, क्लियर है कैसे सॉल्व करना है आपको, इजी है मेथड, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ये क्वेश्चंस आपके लॉन्ग आंसर में आते हैं, मतलब 4 मार्क्स 5 मार्क्स में पूछेगा इस टाइप के क्वेश्चन, थोड़े से घुमा के पूछ लेगा या सॉल्व करने के लिए बोल देगा, तो इसके बस सॉल्यूशन को अच्छे से लिखना और कुछ नहीं। अब जो सबसे लास्ट पैटर्न है और अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो देख के आपको लगेगा तो बहुत सिंपल सा कि ये तो लीनियर इक्वेशन है, एलिमिनेशन से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं, लेकिन इट इज अ ट्रैप, ठीक है, ट्रैप मत होना उसमें, उसका अगर नॉर्मल वे से सॉल्यूशन करोगे तो बहुत लेंदी जाएगा, बहुत लंबा जाएगा। क्वेश्चन कैसा रहेगा समझिएगा जरा, 99x plus 101y is equals to 499, एक इक्वेशन, 101x plus 99y is equals to 501, क्लियर बेटा। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है देखने में तो बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है और लीनियर इक्वेशन भी है, लेकिन अगर आप इसको किसी भी मेथड से स्टार्ट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एलिमिनेशन से करते हो, तो एलिमिनेशन से करने के लिए आपको इसको 99 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 101 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कैन यू इमेजिन द कैलकुलेशन, 499 इंटू 99, ठीक है, 99 इंटू 99, 501 इंटू 101, 99 इंटू 101, इट इज क्वाइट टिपिकल।
तो इसके लिए एक पैटर्न रहता है, ये सब वे में मत जाना, चाहे आप कोई भी मेथड से करो, ग्राफिकल से भी इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज आपको ग्राफ में प्लॉट करने में बहुत दिक्कत जाएगी। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या रहता है मैं बता रहा हूँ, इसको ले लो इक्वेशन नंबर वन, इसको ले लो इक्वेशन नंबर टू, क्लियर है, एक बार एडिंग वन एंड टू, यही हम लोग को इस टाइप की, ये समझ में कैसे आएगा ये क्वेश्चन है, देखो ये दोनों सेम रहेगा, ये दोनों सेम रहेगा, क्लियर है। और ये प्रोसेस करने के बाद बहुत सिंपल हो जाएगा, कैसे होगा जरा देखिएगा, जब मैं दोनों को ऐड करता हूं बेटा तो क्या बन जाएगा, 99 प्लस 1 जो मान कर रहे हो 200x प्लस 200y इज इक्वल्स टू 1000, क्लियर है, चेक कर लो, 200 कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, तो x प्लस y विल बी इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय 200, उधर डिवीजन में भेज दिया मैंने, ये कट गया 5 का, मतलब आपको इक्वेशन क्या मिल गया, x प्लस y इज इक्वल्स टू 5, क्लियर है। इसको आप दे दो भले मेजर इक्वेशन a, वो वन और टू लिया था, मैं इसको ए और बी ले लूंगा, ठीक है। दूसरा प्रोसेस सब्सट्रैक्टिंग वन एंड टू, अब ये दोनों को हमको सब्सट्रैक्ट करना है, क्लियर है बेटा, जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये क्या आ रहा है बताना, तो बेटा जरा 99 माइनस 101 करोगे तो माइनस 2x, ठीक है, 101 माइनस 99 तो प्लस 2y इज इक्वल्स टू 499 माइनस 50 माइनस 2, क्लियर है, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं पूरा तीनों में से, तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1 आ गया आपका। देखो जरा दूसरा इक्वेशन, इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर बी, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन को समझना कैसे है, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, अगर आप इसमें कोई भी मेथड लगाते हो कैलकुलेशन बहुत आपको ले ली जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला करना है हमको, एक बार ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, मैंने ऐड किया एक सिंपल सा इक्वेशन बन गया, एक बार मैंने इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट किया एकदम सिंपल सा इक्वेशन बन गया, अब ये ए और बी को बस सॉल्व कर लेते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1, ये दोनों कट गए, y प्लस वाई 2y इज इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू कितनी आ गई आपको 2, y की वैल्यू पुट कर देते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब बताओ ये वाला मेथड इजी था कि वो कैलकुलेशन वाला मेथड इजी था, इसमें आपको हल्का सा भी कहीं पे भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी, क्लियर है, ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन माने जाते हैं लेकिन ट्रिकी रहते हैं, क्लियर है। तो आज जो हमने देखा अभी इस वीडियो में, इसमें क्या हमने चार पैटर्न्स डिस्कस किए, अपॉन वाले क्वेश्चन रहेंगे या फिर हमारा रूट वाले क्वेश्चन रहेंगे तो उनको कैसे सॉल्व करना है, अपॉन में अगर कोई लीनियर इक्वेशन गिवन है तब उसको कैसे सॉल्व करना है, देन तीसरा पैटर्न जो हमने देखा कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे सॉल्व करना है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई गिवन है तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मैक्सिमम 99% क्वेश्चन जो है सारे ये मेथड्स में कवर हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर कोई एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कीजिए, अगर कमेंट सेक्शन में नहीं कर सकते तो हमको मेल करके पूछिए, अलग अलग तरीके से आप जिस वजह से पूछ सकते हैं हम आपको सॉल्यूशंस डील कराएंगे। दूसरी चीज, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हमको देखना है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स के भी अलग अलग टाइप हैं, कोशिश करते हैं हम लोग जितना कम वीडियोज में जितने ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स हम कवर कर सकें, लेकिन फिर भी आपको जिससे जल्दी से जल्दी समझ में आए तो उस वे में हम लोग करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पूरी देखें, कुछ भी आपको डाउट है हमसे पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।